हेलो दोस्तों, मेरा नाम विश्वास अहिताल है। आप सब बढ़िया हो? तो आज का लीड कोड का प्रॉब्लम है, डेली चैलेंज का प्रॉब्लम है, फ्लिप स्ट्रिंग्स टू मोनोटोन इंक्रीजिंग। ओके, प्रॉब्लम का नंबर है 926। और प्लीज़, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, हमें 1000 तक जाना है हम सबको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं। यहाँ पर बाइनरी स्ट्रिंग इज मोनोटोनली इंक्रीजिंग इफ द इट कंसिस्ट ऑफ सम नंबर्स ऑफ जीरोस, पॉसिबली नन, फॉलोड बाय सम ऑफ द वंस। ओके, यू आर गिवन एन बाइनरी स्ट्रिंग एज यू कैन फ्लिप एस ऑफ आई, चेंजिंग इट फ्रॉम 0 to 1 और फ्रॉम 1 to 0। ओके, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप टू मेक एस मोनोटोन इंक्रीज। ओके, हमें समझते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करके। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 0 0 1 1 0। तो मोनोटोन मतलब क्या होता है कि एक फॉलो फ्लो करता है, एक ही साथ एक ही टोन में बात करता है ऐसा। तो इस टोन में हमें क्या फ्लिप करना पड़ेगा, जैसे ये मोनो एक साइड जीरो होगा और एक साइड वन होगा, हमें एक साइड जीरो करना है और एक साइड वन करना है। हमें इस दोनों को फ्लिप कर सकते हैं या फिर इसको फ्लिप कर सकते हैं, इस दोनों को फ्लिप कर सकते हैं या फिर इसको फ्लिप कर सकते हैं या फिर इस दोनों को हम जीरो कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप चाहे बोलते हैं। तो हमें मोनोटोन करने के लिए यहाँ पर एक साइड जीरो लेके आएंगे, सो 0 0 1 1 और 1। तो एक साइड वन हुआ और एक साइड जीरो हुआ, तो ये मोनोटोन हो गया। तो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदे को फ्लिप करेंगे, इसको हम वन करेंगे, तो नंबर ऑफ फ्लिप रिक्वायर्ड इज वन। हमें वन मिला, हाँ हमें वन मिला। तो और एक आउटपुट देखते हैं, यहाँ पर जीरो है, वन है, 0 1 1 0 है। तो हमें इसको एक साइड करने के लिए क्या कौन सा फ्लिप यूज़ करना पड़ेगा, या फिर हमें इसको जीरो करना पड़ेगा और इसको वन करना पड़ेगा, या फिर इसको जीरो इसको वन करना पड़ेगा। देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जीरो करना है, 1 1 1 1, तो कितना फ्लिप हुआ, यहाँ पर दो फ्लिप हुआ। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 0 0 0 1 1 1, इसको कितना फ्लिप हुआ, इसको भी फ्लिप हुआ 2। तो आउटपुट कितना होगा हमारा, मिनिमम आउटपुट कितना होगा, 2 ही होगा, हमें 2 मिला। तो और एक प्रॉब्लम देखते हैं, यहाँ पर फ्लिप करने एक ही मोनोटोन लेके आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 0 है, उसको 1 कर सकते हैं या फिर इस दोनों को 0 कर सकते हैं। तो अगर हम 1 1 1 या फिर 1 1 0 0 0 करेंगे तो कितना फ्लिप हुआ, यहाँ पर 3 फ्लिप हुआ मोनोटोन करने के लिए, एक साइड 0 और एक साइड 1 करने के लिए। या फिर हम क्या कर सकते हैं, सबको 0 कर सकते हैं। इसको कितना फ्लिप हुआ, इसको सिर्फ हुआ 2, एक ही मोनोटोन है, यहाँ पर सिर्फ एक ही फॉलो कर रहा है, तो इसका कितना फ्लिप हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, तो आउटपुट यहाँ पर 2 आएगा। सही है, मोनोटोन का मतलब समझ गया, आप ये प्रॉब्लम समझ गया होगी। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सॉल्व करेंगे। पहला हम कितना फ्लिप चाहे वो नोट करना है, उसके बाहर हमें नोट करना है कितना वन है, सही है। और यहाँ पर करना है हमें लेंथ मेथड है, स्ट्रिंग है, इसलिए मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तो अभी क्या चेक करना पड़ेगा, अगर 1 है या फिर 0 है, तो फिर हम क्या चेक करेंगे, अभी 1 है। इफ एस ऑफ कैरेक्टर इस 1, कैरेक्टर आई इज इक्वल टू 1, तो क्या करो भैया, आप 1 इंक्रीज करो, तो आप यहाँ पर 1 इंक्रीज करो।
अगर वो केस नहीं है तो क्या करना है, पहले हमें चेक करना है कि 10 है क्या नहीं। अगर 10 है तो हमें फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब 0 है यहाँ पर। तो पहले क्या चेक करेंगे, ये 1 = 0 तो नो नीड टू डू एनीथिंग। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे कंटिन्यू। सही, अगर ए केस नहीं है, अगर ए केस नहीं है तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें उसको फ्लिप करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इसको फ्लिप करना पड़ेगा। सही है, सही है। अभी देखो यहाँ पर एक केस है, यहाँ पर हमने क्या किया यार, यहाँ पर 1 का वैल्यू बहुत कम था फ्लिप से, यहाँ पर फ्लिप हमने 3 बार किया, यहाँ पर 1 बहुत कम 2 ही था। तो हमें क्या करना है, आउटपुट हमें सिर्फ मिनिमम डालना है। तो मिनिमम 1 था तो हमें मिनिमम को फ्लिप किया। तो अभी हमें एक इफ कंडीशन डालना पड़ेगा, इफ 1 <= flip तो आप रिएक्शन करो फ्लिप को 1 से। सही है, तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा यहाँ से। अभी ये होने के बाद हम क्या करेंगे, अभी रिटर्न क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे फ्लिप्स, कितना फ्लिप चाहिए हमें। सही है, अभी रन करके देखते हैं कैसे रन मिलेगा, नहीं मिला, रन टाइम 0, सबमिट। सबमिट हो रहा है 92.2% बिट्स और 77.97। सो आई होप समझ गए होगे। एक बार हम ड्राई रन करते हैं, यहाँ पर देखो फ्लिप करेंगे, फ्लिप 0 होगा, 1 भी 0 लेंगे, लेंथ लेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। अगर हमें 1 मिला तो हमें 1 इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर वो केस नहीं हुआ, पहले हम चेक करेंगे कि 1 = 0 है। अगर 0 है तो हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें सिर्फ सब पिछले वाला सब 0 होगा तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, फ्लिप नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम उसको स्किप करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अगर वो केस नहीं है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, फ्लिप को इंक्रीज करना पड़ेगा। अभी हम इसको इफ़ कंडीशन डालेंगे, इफ़ अगर कोई भी केस में, ऐसे example 3 में यहाँ पर हमें पता चला कि 1 छोटा है फ्लिप से, मतलब यहाँ पर हमने फ्लिप 3 बार किया पर 1 यहाँ पर बहुत छोटा था, तो इसके लिए हम फ्लिप को रीअसाइन करेंगे 1 से, तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा। उसके बाद हमें रिटर्न करना पड़ेगा फ्लिप को। आई होप समझिए होगी एक स्टेप पूरा स्टेप। अगर आपके इस कोड में कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ डू कमेंट, हम आपको हेल्प करने के लिए हाजिर हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है लाइक किया तो। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, हमें 1,000 तक जाना है, हम सबको 1,000 तक पहुँचना है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। चलो मिलते हैं, बाय।